प्राइमरी जर्म लेयर्स एक्टोडर्म एंड इट्स डेरिवेटिव फर्स्ट अकें प्राइमरी जर्म लेयर्स फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म डिवेलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड डिवेलपमेंट ऑफ एपिडर्मिस। फर्स्ट वट आर द प्राइमरी जर्म लेयर्स स्टूडें प्राइमरी जर्म लेयर्स के बजाय हम एन अदर टर्म जो यूज करते हैं दैट इज द एम्ब्रियनिक लेयर्स का वर्ड भी यूज करते हैं तो प्रायमरी जर्म लेक्चुअली द

जर्म लेयर्स का नाम भी यहीं से ये यह जर्मिनल है यहीं से तमाम बॉडी ऑर्गन ने जो है वो डेवलप होना होता है तो प्राइमरी जर्मस लेयर्स आर एक्चुअली फॉर्म ड्यूरिंग द गेस्ट्रोलेशन प्रोसेस कि जब आपको पता है कि जब जाइगोड जाइगोड से जब आ, क्लीविच होगी ब्लास्टूला बना के ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रोला बनता है तो जो गैस्ट्रोलेशन स्टेज है ये वो स्टेज है जिसके ऊपर थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स बन जाती हैं और फिर हर लेयर अपने रेलिवेंट जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करवाएगी तो हाउ दिस एक्टोडर्म इज फॉर्म अब हमारे पास जो है द फर्स्ट जर्म लेयर इज एक्चुअली द एक्टोडर्म एक्टोडर्म की फार्मेशन जो है वो बेसिकली इट हैपन्र इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस गैसट्रोलेशन के दौरान जब गैसोलेशन के मैं आप अगर हम इसको देखें तो डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट पोजिशन के ऊपर माइग्रेट कर रहे होते हैं तो जब गैसोलेशन का प्रोसेस कम्प्लीट होता है तो हमारे पास सेल्स की थ्री लेयर्स आ जाती हैं कुछ वो सेल्स हैं जो बिल्कुल सेंटर में चले जाते हैं एम्ब्रियू के सेंटर में या इनर मोस्ट पोर्शन में जाने वाले सेल्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज द एंडोडर्मल सेल्स उसको हम एंडोडर्म कहेंगे ये कुछ सेल्स वहां जो बिल्कुल टॉप पर रह जाते हैं जो सबसे बाहर टॉप पर रह जाने वाले सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के देर एक्चुअली दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एक्टोडर्म अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान के जो सेल्स होंगे दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द मिजोडर्म्स तो से जो एक्टोडर्म इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एम्ब्रियो एट गैस्टुरेशन स्टेज गैस्टोलेशन स्टेज के ऊपर एम्ब्रियो के सबसे बाहर वाले लेयर को हम क्या कहेंगे इट इज द एक्टोडर्म है तो दिस एक्टोडर्म इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द एपिडर्मस जो एक्टोडर्म है इससे जो बॉडी ऑर्गन मेजर बनेंगे उसमें एक नर्वस सिस्टम होगा और दूसरा हमारे पास जो है वो बट जो हमारी स्किन है इसकी एपिडर्मस होगी और इसके अलावा जो डिफरेंट एपिडर्मस के ऊपर डिफरेंट जो इंटेगूमेंट्स हैं जो ऑर्गन है, जैसे हेयर है या फिर स्वेटिक लैंड होते हैं ये भी एक्टोडर्म से बनेंगे तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डिवेलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से किस तरह से जब नर्वस सिस्टम बनेगा इसलिए हमें सबसे पहले वो सिनेरियो देखना पड़ेगा कि जब गैसुलेशन स्टेज है गैसुलेशन स्टेज में तमाम सेल्स अपनी पोजीशन अटेन कर चुके हैं एंडोडर्म अपनी पोजीशन पर चली गई है मीजोडर्म के सेल्स अपनी पोजीशन पर हैं और एक्टोडर्म के सेल्स अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं सबसे बाहर मौजूद हैं ये अब सबसे पहले जो एक्टोडर्म के सेल्स हैं उस पर एक हमारे पास क्या हो गया कि स्ट्रेच जो है वो नजर आएगा उसको एक यानी कॉमर एक पैच सामने नजर आएगा दैट मे बी ऑन डॉर्सल ये आम तौर पर जो ब्लास्टो है उसके बिल्कुल करीब तरीन जो है वो ये पैच बनता है ये जो स्ट्रेच या पैच जो बनेगा इट इज़ कॉल्ड एज ए न्यूरल प्लेट इसको हम न्यूरल प्लेट का नाम देते हैं अब होगा ये कि अगर चूंकि एम्ब्रू राउंड फार्म में होता है ये राउंड फार्म में इसके ऊपर एक स्ट्रेच जो है वो एक जो पैच बन गया है जिसको हम न्यूरो प्लेट का नाम देंगे अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये होगा कि न्यूरो प्लेट की जो साइड्स हैं वो ऐसा ऐसा ऊपर को उठना शुरू कर देंगे यानी अगर ये न्यूरल प्लेट है तो ये इसकी साइड से आस्ते क्या करेंगे ऊपर को उठना शुरू कर देंगे न्यूरल प्लेट्स की जो साइड ऊपर जो को उठ रही हैं दे आर कॉल्ड एज अ न्यूरल फोल्ड्स उसको जो हम क्या कहेंगे ये न्यूरल फ्लो फोल्ड्स हैं और इससे से उसके दरम्यान में जो पोजिशन है जो कि दरम्यान से थोड़ा सा जो वो हमारे पास एक ग्रूव सी बन रही है दैट इज़ कॉल्ड एज अ न्यूरल ग्रूव तो इससे न्यूरल प्लेट पहले बनी है उसके बाद साइडों से एजेज ऊपर होना शुरू हुए हैं जो एजेस हैं इसको हम क्या नाम दे रहे हैं न्यूरल फोल्ड्स का नाम दे रहे हैं न्यूरल प्लेट अब आस नीचे की तरफ एक ग्रूव की फॉर्म में आ गई है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं न्यूरल ग्रूव का नाम दे रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये जो न्यूरल फोल्ड्स हैं जो साइड्स पर मौजूद हैं दे विल मर्ज विद ईच अदर ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे मर्ज कर जाएंगे अब जो न्यूरल प्लेट है वो ट्यूबुलर फॉर्म में आ जाएगी इस ट्यूबुलर पोर्शन को फिर हम क्या इसके कहेंगे इट इज द न्यूरल ट्यूब है तो इससे न्यूरल प्लेट जब उसको फोल्ड सील अप हो जाते न्यूरल ट्यूब एक्चुअली ये न्यूरल ट्यूब जो है इसी ने आगे जो है वो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली बनाना है न्यूरल ट्यूब का वो पोर्शन जो सबसे एंड पर बंद होगा दैट विल फॉर्म ब्रेन और जो पहले क्लोज हो चुके होंगे पोर्शन द विल फार्म द स्पाइनल कॉर्ट इसके अलावा न्यूरल ट्यूब के कुछ करीब सेल्स होंगे जिसका हम न्यूरल क्रेस्ट बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट विल फार्म द पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम जैसे जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो क्या करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्स जो नर्व्स निकलकर पूरी बॉडी में जो फैलती हैं न्यूरॉन्स की दे विल फॉर्म बाय द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन जो सिस्टम बनता है एक्टोडर्म से दैट इज द एपिडर्मस एपिडर्मस इट इज अ पार्ट ऑफ स्किन हम अगर स्किन को देखें तो हमारे स्किन के तीन हिस्से हैं सबसे जो बाहर वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मस एपीडर्मस के नीचे

सबसे पहले जब न्यूरल ट्यूब बन जाती है अब जो टॉप पर जो सेल्स रह जाएंगे एम्ब्रियो के दे विल एक्चुअली स्टार्ट डिवाइडिंग एक्टोडर्म सिंगल लेयर है न्यूरल ट्यूब बनने के बाद एक्टोडर्म दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी ऊपर वाली लेयर टेम्पोरेरी होती है वो खत्म हो जाती है जबकि जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम जर्मिनल एपीथीरियम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीरियम ने आगे जाकर जितनी भी पूरी स्किन जो है उसको बनवाना है और इसके अलावा स्किन के ऊपर जितने भी हमारे इंटेगोमेंट्स मौजूद हैं हेयर नेल स्वेट ग्लैंड सुबिशियस ग्लैंड मेमरी ग्लैंड इससे अगर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स के अंदर आपको पता है कि उसके जो फैदर्स हैं या हूफ्स हैं या एनिमल्स के अंदर या फिर इसके अलावा क्ले जो क्लॉज हैं या इनके जो पंजे होते हैं नाखन होते हैं जो बर्ड्स के ऑल दीज आर सेंथिसाइज बाय द एक्टोडर्म